ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दो लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। आगे वो उसके साथ क्या क्या करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है किडनैपिंग स्टेला, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लड़कों को देखते हैं जिसमें एक का नाम टॉम और दूसरे का नाम विक था। पहले तो वो दोनों एक कार चुराते हैं और इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां वो कुछ सामान लेते हैं और वहां से निकलकर ये दोनों एक घर में आते हैं और पूरे घर को साउंड प्रूफ बनाते हैं ताकि किसी की भी आवाज़ घर से बाहर ना जा सके। आगे ये दोनों कार में बैठकर किसी का इंतजार करने लगते हैं, तभी वहां से एक लड़की गुजरती है जिसे ये लोग किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की का नाम स्टेला था। ये दोनों उस लड़की के हाथ पैर बांध के उसे उसी घर में ले आते हैं और वहां पर उस लड़की को बेड पर बांध देते हैं और उसके कुछ फोटोज लेते हैं और इसके बाद वो उस लड़की के कपड़े चेंज कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्टेला बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था। फिर थोड़ी देर बाद विक स्टेला के पास आता है और स्टेला से कहता है कि अपने फादर का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल दो, हमें तुम्हारे बदले बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे फादर ने पूरे पैसे दिए तो हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे। इन दोनों में से टॉम एकदम नया था और उसे किडनैपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद ये दोनों स्टेला के मोबाइल को बंद कर देते हैं और स्टेला के फादर को एक मेल करते हैं। ये दोनों स्टेला के फादर से $2 मिलियन मांगते हैं। कुछ देर बाद जब ये मेल चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि स्टेला के फादर का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब स्टेला को किडनैप किए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए विक टॉम से कहता है कि हमें स्टेला को खाने पीने के लिए कुछ देना होगा। फिर ये दोनों स्टेला के पास जाते हैं। विक स्टेला से कहता है कि हम तुम्हें पानी पिलाने वाले हैं पर तुम चिल्लाने की कोशिश मत करना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। पर जैसे ही विक पट्टी निकालता है स्टेला बहुत चिल्लाने लगती है पर विक उसका मुंह बंद कर देता है और फिर से उसे समझाता है, तो इस बार स्टेला मान जाती है और विक उसे पानी पिलाता है। फिर विक स्टेला को बताता है कि बाथरूम जाने के लिए उसे एक नंबर या दो नंबर ऐसे अपने हाथों से साइन दिखाना होगा, तो स्टेला एक नंबर दिखाती है यानी स्टेला को टॉयलेट जाना था। अब वो दोनों एक बोतल लाते हैं और स्टेला को उनके सामने ही ये सब करने को कहते हैं। पहले तो स्टेला मना करती है पर उसके पास और कोई चारा नहीं था इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, जहाँ टॉम थोड़ा उदास था और खाना भी नहीं खा रहा था। विक कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। विक को डर था कि टॉम उसका प्लान फेल ना कर दे, इसलिए वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाता है और कहता है कि ज्यादा सोचो मत, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। अब कुछ देर बाद टॉम स्टेला की फोटो देखने लगता है, उसे स्टेला के लिए बहुत बुरा लगता है इसलिए वो स्टेला के रूम में जाता है, जहाँ स्टेला उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। तो टॉम स्टेला के हाथ खोल देता है और उस पर गन पॉइंट करता है ताकि स्टेला कोई चालाकी ना करे, पर स्टेला कहती है कि तुम अपना मुंह उल्टा कर लो वरना मैं ये सब नहीं करूंगी। तो बेवकूफ टॉम उसकी बात मान लेता है और अपना मुंह फेर लेता है। तब स्टेला बाल्टी लेकर टॉम पर हमला करती है और उससे गन छीन लेती है और कहती है कि लोड मुझे चाबी दे वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। टॉम यहाँ स्टेला से गन छीनने की कोशिश करता है पर तभी स्टेला गन चलाती है और टॉम के चेहरे से मास्क हट जाता है। मास्क हटते ही स्टेला टॉम को देखती रह जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब टॉम कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ बातों में उलझा के टॉम स्टेला से गन छीन लेता है और उसे फिर से बांध देता है। वो कहता है कि ये सब विक को मत बताना वरना वो हम दोनों को मार देगा। फिर कुछ देर बाद विक घर आता है। वो टॉम से कहता है कि स्टेला के फादर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो दोनों कैमरा लेके स्टेला के पास आते हैं। विक स्टेला से कहता है कि तुम्हारे फादर ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए हम लोग तुम्हारी उंगली काट कर वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे फादर को भेज देंगे ताकि वो पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। अब ये सुन के स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। विक जब उसकी बात नहीं सुनता तो स्टेला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है। वो विक को स्टेला की उंगली काटने से मना करता है और कहता है कि हमने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जिसे देखकर स्टेला के फादर पैसे देने के लिए मान जाएंगे। फिर कुछ देर बाद विक स्टेला को खाना खिलाता है और स्टेला कहती है
कि मुझे तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना, उसे कहो कि मुझे खाना खिलाए, पर वीक उसकी बात नहीं मानता। वहीं कारपेट पर एक बुलेट पड़ी थी, जोश टेला ने कल फायर की थी। अब टॉम को डर लगने लगता है कि वीक उसे देख ना ले। फिर चालाकी से टॉम उस बुलेट को उठा लेता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वीक टॉम से कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है, तुम्हें आखिर हुआ क्या है। पर टॉम कहता है कि मैं ये सब पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। इसके बाद टॉम बाथरूम में जाता है और उस बुलेट को फ्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट को फ्लैश नहीं कर पाता। बाहर खड़ा वीक ये सब नोटिस कर रहा था। वीक के डर से टॉम बुलेट को निगल जाता है। फिर वीक के बाहर जाने के बाद टॉम स्टेला के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तब स्टेला कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। पर टॉम को लगता है कि स्टेला झूठ बोल रही है। तब स्टेला कहती है कि यकीन आए तो मेरे मोबाइल में प्रेगनेंसी रिपोर्ट है जिसे तुम देख सकते हो। अब ये सुनने के बाद टॉम स्टेला के मोबाइल को ऑन करने जाता है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने मोबाइल को ऑन किया तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा, इसलिए वो मोबाइल को ऑन नहीं करता। तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है जिसे देखकर टॉम उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। अब टॉम को करीब देखकर स्टेला उसे सेड्यूस करने लगती है, और जब टॉम का ध्यान हट जाता है तब चालाकी से स्टेला टॉम को हथकड़ियों से बांध देती है। फिर स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है पर वो दरवाजा लॉक था। अब स्टेला पुलिस को कॉल करती है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है, तो पुलिस उसे उसकी लोकेशन पूछता है, पर स्टेला को लोकेशन का नहीं पता था क्योंकि वो एक कमरे में बंद थी। अब टॉम की नज़र हथकड़ियों की चाबी पर पड़ती है और वो उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी स्टेला उसे देख लेती है। स्टेला जब वो चाबी उठाने जाती है तब मौका देखकर टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद टॉम स्टेला को फिर से बांध देता है। कुछ देर बाद वहाँ वीक आता है। वो टॉम से कहता है कि स्टेला के फादर पैसे देने के लिए मान गए हैं। अब वो दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद वीक स्टेला के पास जाता है, जहाँ वीक को स्टेला के पास मोबाइल नजर आता है। जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि मोबाइल से पुलिस को कॉल किया गया है। अब वीक स्टेला से पूछता है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया। वीक को लगता है कि ये मोबाइल टॉम ने उसे दिया होगा। उसे दीवार पर फायर की हुई बुलेट मिलती है। अब स्टेला वीक को उसके और टॉम के अफेयर के बारे में बता देती है, तो वीक टॉम के पास जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों पार्टनर हैं और हमें कोई भी बात एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। इसके बाद ये दोनों स्टेला को लेकर एक नदी किनारे जाते हैं और वहाँ स्टेला को बांध देते हैं। इन दोनों ने ये पहले ही प्लान बनाया था कि वो स्टेला के हाथ में चाबी रख देंगे और स्टेला अपने आप को छुड़ा कर चली जाएगी। पर वीक टॉम से कहता है कि मैं ये प्लान चेंज कर रहा हूँ और कहता है कि तुम अब मेरे साथ चलोगे। टॉम वीक की बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। वो दोनों कई देर तक इंतजार करते हैं पर पैसे लेकर कोई नहीं आता। टॉम कहता है कि हमें शायद बेवकूफ़ बनाया गया है, पर वीक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब पता चल गया है और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। यहाँ टॉम वीक को गिराकर भागने लगता है, लेकिन वीक उठकर टॉम को गोली मार देता है जिसे टॉम जख्मी हो जाता है, पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि वीक प्लान के मुताबिक सारे पैसे ले आता है और स्टेला को मारने उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा जिसे तुम मर जाओगी। जैसे ही वो स्टेला को इंजेक्शन देने जाता है तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वीक के पास गन थी। वो टॉम को गोली मार देता है। वीक टॉम को मारने ही वाला था, पर तभी स्टेला उसे लात मार के नीचे गिरा देती है जिसे वीक की गन टॉम के पास गिरती है। टॉम वो गन लेकर वीक को गोली मार देता है। अब चाबी टॉम के पास थी, वो मुश्किल से वो चाबी स्टेला को देता है और टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। स्टेला जब कार में आती है तो उसे वो पैसे मिलते हैं जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।